सावित्रीबाई फुले के 191 जयंती के मौके पर मीरा रोड के काशीमीरा परिसर में आज एक सामाजिक संगठन की तरफ से मेयर ज्योत्ना हसनाले, नगर सेवक सचिन मात्रे, शिवसेना की लीडर स्नेल कंसारिया, इन मान्यवरों के हाथे समाज में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, अपना योगदान देने वाले करीब 20 महिलाओं को सावित्रीबाई फुले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए हम जानते हैं जिन लोगों को सम्मान दिया गया है उनका क्या कहना है और मेयर ज्योत्ना हसनाले का भी क्या कहना है आज के इस प्रोग्राम को लेकर। ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित सावित्रीबाई फुले जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर मीरा भाईंदर क्षेत्र की जितनी भी ऐतिहासिक कामगिरी करने वाले और अच्छी कामगिरी करने वाले सभी महिलाओं का यहाँ पर सम्मान करने के लिए हमें बुलाया था और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे नियोजित है और महिलाओं को विकास के लिए, महिलाओं को आगे लेकर जाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले प्रतिष्ठान की ओर से एक मानस है, अच्छा प्रयास है। मीरा भाईंदर क्षेत्र में बहुत सारी महिला ऐसी है कि हर क्षेत्र में काम करती है, फिर वो उद्योजिका भी है, फिर वो टॉपिक हवलदार भी है, पुलिस क्षेत्र में भी है, राजकीय क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला, क्रीड़ा, सभी क्षेत्र में निपुण है। तो ऐसी महिलाओं को आगे लेके जाने का काम ये प्रतिष्ठान के माध्यम से होने जा रहा है, इसलिए मैं मेरी तरफ से उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ और मैं धन्यवाद भी देती हूँ हमारे सावित्रीबाई फुले जी को, जिन्होंने हमारे महिलाओं के विकास के लिए, हमें अच्छी विचारधारा पे लेके जाने के लिए जो स्कूल चालू किए और उसका आधार लेते हुए आज सारी महिलाएं बहुत सारे उच्च स्थान पर अपनी अपनी प्रगति कर रही है। मैडम, नागरिकों को क्या संदेशा और अपील करना चाहेंगे आपके? दिन ब दिन अब कोरोना के मरीज बढ़ते हुए जा रहे हैं और प्रशासन की किस तरह की तैयारियाँ हो चुकी है अब तक? मीरा भाईंदर महानगर पालिका का प्रशासन कोरोना को प्रादुर्भाव नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी काम योजनाएं कर रहे हैं और इसमें मैं नागरिकों से यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी जो जो प्रशासन के गाइडलाइंस है उसका पालन करें। आपने सभी ने वो गाइडलाइन का पालन किया था, इसीलिए हम कोरोना को नियंत्रित कर पाए थे। मगर आप देखेंगे आज सभी मार्केट में भीड़ लगी हुई है, पूरे रास्ते में भीड़ लगी हुई है, कोई मास्क पहनता है, कोई नहीं पहनता है और जो भी प्रशासन के गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। वैक्सीन जो है वो चालू है, वैक्सीन का भी आपने सभी ने फ़ायदा उठाना चाहिए। जिन्होंने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है उन्होंने वैक्सीन लेना चाहिए। 15 साल के ऊपर के जितने भी हमारे स्कूल में जाने वाले, कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं उनका भी वैक्सीनेशन आज से हमने शुरू किया है और 35 हमारे केंद्र है जहाँ पर आप लसीकरण कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आप सभी ने अच्छा साथ दिया था गए दो लहरों में, अभी तीसरी लहर आने वाली है और आ ही रही है। मीरा भाईंदर में आज आप देखेंगे कि 300 पेशेंट कोरोना के हैं। मैं चाहूँगी आप सभी सहकार्य करें और हम सब मिलकर कोरोना का ये प्रादुर्भाव मीरा भाईंदर शहर से नष्ट करने के लिए तैयार रहें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि महिलाओं का सत्कार ये होना ही चाहिए। महिलाएं इतने काम करती है लेकिन उनको सम्मानित करना बहुत कम हो जाता है। अभी आज बहुत ही अच्छा लगता है कि जेंट्स मिलके सब सत्कार कर रहे हैं। ये जो सावित्रीबाई फुले इन्होंने बहुत ये खड़तड़ आयुष्य जिंदगी जो जी है तो उनके ये है थे पुरुष वर्ग, उस जमाने के पुरुष वर्ग थे, उनके ऊपर चिखल सेन वो फेंकते थे लेकिन आज के ज़माने के पुरुष ये स्त्रियों को सम्मान करते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे मीरा भाईंदर वासियों को सावित्रीबाई फुले ज्ञान ज्योति क्रांति ज्योति इनकी जयंती के अवसर पर शुभेच्छा देता हूँ। यहाँ पर ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले प्रतिष्ठान के माध्यम से कार्यक्रम का नियोजन किया गया है। यहाँ जो मीरा भाईंदर क्षेत्र में जितने भी महिला कर्मचारी, महिला अधिकारी या महिला जो लोगों को अपने मेहनत से सारे काम करते हैं उनका सत्कार का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। यहाँ पर शहर की सारी प्रतिष्ठित महिलाएं जैसे महापौर मैडम है, स्नेहल कंसारिया मैडम है और बहुत सारी महिलाओं के हाथों से उनको सत्कार किया जा रहा है। एक्चुअली आज का दिन मतलब हम महिलाएं भूल नहीं सकती हैं क्योंकि अगर सावित्री माई का जन्म नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे जितने भी महिलाएं बैठी हैं जिनको भी आज सोशल वर्क में आगे आ रही या किसी भी फील्ड की आप बात कीजिए, पायलट हो, आर्मी हो या नेवी हो, हर जगह पे महिलाएं हैं। वो किन की वजह से? अपने भारत की बात करूँगी मैं
भारत में अगर सावित्री माई बोलती हूँ मैं, उनका जन्म नहीं होता तो हम लेडीज यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर गालियाँ खाई, गोबर खाया, उनको घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया था। ऐसी हालत में उन्होंने पहला स्कूल उन्होंने ओपन किया, पहली शिक्षिका। और उनके जन्मदिन पर हमारी जो सहेली है उन्होंने ये जो कार्यक्रम रखा है, किसी पार्टी का नहीं, हर पार्टी के लोग आपको यहाँ पे दिखेंगे। और सारे सोशल वर्क जो करने वाले लेडीज़ हैं आज उनको सम्मान दिया गया, ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मतलब सही तौर पे एक विनम्र अभिवादन जो सावित्री माई को, जो उनका सोच था कि लेडीज़ यहाँ तक पहुँचने चाहिए, आज लेडीज़ पहुँच गए, लेडीज़ आगे भी और पहुँचने चाहिए, यहाँ पे और ज़्यादा पूरा भरना चाहिए अगले साल। और मुझे दिल से बहुत खुशी है इस चीज़ का। अलग अलग क्षेत्र से महिलाओं का सम्मान समारोह रखा था हमने। सबसे मेन तो मुझे जिन्होंने सहाय किया, हेमलता दाई गायकवाड़, मतलब स्ट्रेंथ मेरी बोलेंगे तो भी चलेगा, मेरी स्ट्रेंथ है वो। उन्होंने मुझे बहुत सहकार्य किया ये सब नियोजन करने में। एक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर, मतलब जो स्टाफ में काम करते हैं, कोरोना के टाइम पे उन्होंने 2 साल तक काम किया, उनका एक सत्कार लिया गया। रेशमा दाई तपस, आप तो जानते हैं कि उन्होंने पूरे कोविड में 2 साल काम किया। महापौर मैडम है हमारी, एक दिन भी उन्होंने पालिका में मुझे नहीं लगता कि वो नहीं बैठे, वो भी थे। और वो मेन मुख्याध्यापिका थी, शिक्षिका थे, उसके बाद में ट्रैफिक हवालदार थे मनीषा, उनका सम्मान किया गया। तो अलग अलग क्षेत्र से, मतलब लेडीज़ को प्रेरणा मिले इसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन मैंने किया था। ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले प्रतिष्ठान मीरा भाईंदर की तरफ से ये जयंती रखने का कारण कि हर एक क्षेत्र में महिला काम करती है। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल देती हूँ, ट्रैफिक की लेडी है, 24 घंटे कभी कभी ड्यूटी करके जाती है, फिर भी उसके ऊपर लोग कोई रहते हैं ऐसे कि मतलब गाड़ी क्यों यहाँ लगाई, तो मतलब उसको उल्टा सुलटा बोलते, उसको प्रोत्साहन दे के अगर मैं उसका सम्मान करती हूँ तो मैं मेरे सावित्री बाई का सम्मान करती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। सावित्री बाई प्रतिष्ठान, ज्ञान ज्योति सावित्री बाई प्रतिष्ठान का उद्देश्य ये है कि सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ो, हर एक लेडीज़ का सम्मान करो और हर एक लेडीज़ पे गर्व करो कि ताकि हमें भी लगे कि सावित्री बाई आज हमारे सामने है। ना मैं अबला हूँ ना मैं कमज़ोर हूँ, ना मैं अबला हूँ ना मैं कमज़ोर हूँ, मैं आज की एक आधुनिक नारी हूँ। ना मैं असहाय हूँ ना मैं कमज़ोर हूँ, मैं आज की आधुनिक नारी हूँ। वो नारी जो घर भी संभाल सकती है, वो नारी जो घर भी संभाल सकती है और देश भी संभाल सकती है, वो नारी जो अपनी आवाज़ से सबके दिलों पर राज कर सकती है, कभी प्रेम से मीरा जैसी जोगन बनकर तो कभी विकराल रूप धारण करके करने वाली मैं आज की आधुनिक नारी हूँ। मैं आज की आधुनिक नारी हूँ, ना मैं अबला हूँ ना मैं कमज़ोर हूँ, ना मैं बिचारी हूँ ना मैं असहाय हूँ, मैं आज की आधुनिक नारी हूँ। वो नारी जो रण क्षेत्र में युद्ध कर सकती है, वो नारी जो रण क्षेत्र में युद्ध कर सकती है, वो नारी जो कदम से कदम मिलाकर चल सकती है, वो नारी जो कदम से कदम मिलाकर चल सकती है, कभी मालती जैसी डटकर मुकाबला करने वाली तो कभी नया इतिहास रचने वाली। मैं अबला या कमज़ोर नहीं, मैं आज की आधुनिक नारी हूँ। मैं आज की आधुनिक नारी हूँ, ना मैं अबला हूँ ना मैं कमज़ोर हूँ, ना मैं अबला हूँ ना मैं कमज़ोर हूँ, ना मैं बिचारी हूँ ना मैं असहाय हूँ, मैं आज की आधुनिक नारी हूँ। मैं आज की आधुनिक नारी हूँ। नमस्कार। सावित्रीबाई फुले अपने देश की पहली शिक्षिका थी, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कई जुल्म सितम सहे है, बर्दाश्त किया है, और ये उसका ही नतीजा है कि हमारे देश की महिलाएं आज काफ़ी अपने आप को ताकतवर महसूस करती है, ऊँची उड़ानें भरती हुई दिखाई दे रही है। मीरा भाईंदर शहर के करीब 20 ऐसे महिलाओं को आज पुरस्कृत किया गया, उनका सम्मान किया गया, और ये सम्मान करने का कार्यक्रम अगले साल भी जारी रहेगा, इस तरह की बात इस संस्था ने कही है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।